वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा डॉक्टर उदयन आर्य प्राचार्य गुरु विरजानंद गुरु कुल महाविद्यालय करतारपुर के सानिध्य में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में PCMST कॉलेज फॉर वुमेन जालंधर में अंत महाविद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर नवजोत प्रिंसिपल लायलपुर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन जालंधर ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधीर शर्मा, आर्य मॉडल हाई स्कूल जालंधर के प्रधान डॉक्टर शिवदयाल माली ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा पराशर एवं श्री रजनीश आर्य ने ड्रॉ निकालकर और प्रतियोगियों को बैच प्रदान करके प्रतियोगिता का शुभारंभ करवाया। इस प्रतियोगिता में 21 महाविद्यालयों के छात्रों ने जन जागृति के नायक महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका, वसुधैव कुटुंबकम सहित संस्कृति से जुड़े अन्य विषयों पर भाषण दिए। प्रोफेसर डॉक्टर उषा अवस्थी, प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र संधु, प्रोफेसर सरोजनी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मुख्य अतिथि सुधीर शर्मा, प्रसिद्ध समाज सेवक रंजीत आर्य एवं अन्य अतिथियों का स्वागत मंडल के संस्थापक रोशनलाल आर्य, राकेश चंदना, ज्योति स्वरूप कंबोज, गुरशरण सिंह, स्माइली मेहता, बॉबी मल्होत्रा, कमलेश गुप्ता, रीना वर्मा, सुनीता पहावा एवं अन्य पदाधिकारियों ने किया। मुख्य अतिथि सुधीर शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। इस देश को आजाद कराने का श्रेय केवल और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। आपने बच्चों से सुना भी होगा, जो क्रांति धारा थी उसके जनक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनको इंग्लैंड महर्षि दयानंद ने भेजा था। और जो शांति धारा थी उसमें नरम दल और गरम दल दो थे। गरम दल के जो है दादा भाई दावोजी, और उसके थे अपना ये जिन्होंने पूना में प्रवचन करवाए वो उसके जनक थे। जहाँ तक स्त्री शिक्षा का संबंध है, वो भी अधिकार महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही दिलवाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि यदि आज मैं प्रधानमंत्री हूँ तो इसका श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। सामाजिक बुराइयाँ जहाँ तक समझता हूँ कि 1911 की जो जनगणना थी उसके आंकड़े ये है कि लगभग 3.5 लाख 15 साल से कम लड़कियां विधवा थी। आप अंदाजा लगा सकते हो, उनमें 6 महीने की बच्चियां भी है 367। ये मैं सारे आंकड़े आपके समक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन समाज के अंदर बाल विवाह जो था, छुआछात की थी या सती प्रथा थी, इन सबको समाप्त करने में महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना योगदान दिया। नवजोत, प्रिंसिपल लायलपुर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन जालंधर, आज वेद प्रचार मंडल वालों करवाए जा रहे भाषण मुकाबले जेडे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में करवाए जा रहे हैं, उन्होंने भाषण मुकाबले में एज अ गेस्ट मैं आने का मौका मिले और बहुत चंगा लग्या। वेद प्रचार मंडल बहुत वधिया कोशिश हो रही है, अलग अलग जो बर्निंग इशूज है उन्होंने उत्ते बच्चों ने गल की। पूरे पंजाब तो बच्चे आए हुए थे जिन्होंने इस मुकाबले हिस्सा लिया, और वातावरण की संभाल तो लैके देश प्यार, शहीद आजम भगत सिंह और शहीदों दहादतों जोड़ा है वह नतमस्तक हुए हैं। कौन से विचार दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी जो बच्चों को विचार मिल रहे हैं उन विचारों के अंदर बहुत सारे जीवन निर्माण की बातें नहीं होती हैं, और ये जो मंच है वेद प्रचार मंडल जो लुधियाना के जो इसमें जो टीम है वो इस टीम का इस मंच के माध्यम से युवाओं में बच्चों में विचार देने का काम किया जा रहा है, और ये विचार ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। खुद हमारे समाज को बिलोंग कर आज का फंक्शन बहुत चंगा लगा। सारी फैमिली शुरू तो 1957 तो उम्मीद दयानंद को समर्पित है। संस्था की तरफ से वेद प्रचार मंडल का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस सराहनीय कार्यक्रम के लिए हमें भागीदार चुना और इस संस्था में ये वैदिक प्रतियोगिता करवाई। यहाँ पर आए हुए सभी जितने भी हमारे अतिथिगण हैं और उनके साथ बच्चे और संस्थाओं के अध्यापक, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। ये कार्यक्रम स्वामी दयानंद जी के 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था।